नमस्ते भाई लोग, सब दिन की तरह आज भी मैं साइकिल से निकल गया हूँ। आशा है आप लोग अपने अपने ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारी वीडियो को आप देखते रहें। इस वीडियो में मैं आज गांव में झंडा दिवस या फिर झंडा तोलन और ये झंडा दिवस जो भी 15 अगस्त कैसे मनाया जाता है गाँव का सारे स्कूल में जाने की कोशिश करूँगा और आप लोग गाँव में कैसे मनाया जाता है, गाँव में लोग की स्थिति क्या होती है, व्यवस्था क्या है, वो सभी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और बहुत मज़ा आने वाला। आप लोग वीडियो से जुड़े रहे और देखिए, सब दिन की तरह आज भी मैं साइकिल से निकल गया हूँ और दूरी काफ़ी है, 4 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ दूसरे गांव में। वहाँ पे जैसा भी व्यवस्था हो, क्योंकि सब जगह एक टाइम पे झंडा अगर फहराया जाएगा तो मैं सब जगह नहीं दिखा सकता हूँ। ये बच्चा लोग भी स्कूल ही जा रहे हैं, देखिए पूरा एकदम जंगल में पसीवा भी जा रहे हैं उधर से और पूरा जंगल होके मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। और ये वही स्कूल में पहुँच गया जहाँ पर पिछले 2 महीने पहले ही नीतीश कुमार जी यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पे कोई सर कोई टीचर हमको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि सिर्फ लड़का है और कुछ लोग झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे और बांस का कोई पता नहीं है, जो बांस जो जिसमें झंडा हम लोग फहराते हैं। और व्यवस्था हमको सही नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि सर और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लड़का लोग पहले एकदम 7 बजे से पहुँचल है, ठीक है दूसरा जगह निकलते हैं हम लोग। हमारा हालत ये प्राइवेट स्कूल है और ये यहाँ का काफ़ी व्यवस्था हमको सही लगा, यहाँ के बच्चे भी सब अनुशासन में थे और पूरा सही तरीका से हो रहा था यहाँ पे एकदम सारा व्यवस्था। क्योंकि मैं तो टाइम से पहले पहुँच गया था तो यहाँ पे कोई झंडा को तैयारी नहीं था और एकदम यहाँ स्कूल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ के लोग बगल वाले स्कूल में गया था, उन्होंने मना कर दिया पूरा वीडियो लेने से, लेकिन मैं अपने गाँव का जरूर दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ सभी लोग मना नहीं कर सकते ना, देगा किसी को लगता है हो सकता है इसका व्यवस्था सही नहीं चल रहा होगा इसलिए इन्होंने मना कर दिया। ये देशवा का ये कोचिंग सेंटर के बगल में ये स्कूल था, पता नहीं इन्होंने क्यों मना कर दिया, लेकिन और भी स्कूल का लेंगे जरूर। और ठीक है दोस्तों, सरकारी स्कूल में और भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में बड़े प्यार से बोलते हैं हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है और भी जगह दिखाएंगे। देखिए हालत तो मेरा बहुत बुरा हो गया क्योंकि मैं साइकिल से ही घूमता हूँ, 8 से 10 किलोमीटर हो चुकी है। अभी तक का ये सबसे पुराना स्कूल 1969 में बना हुआ, यहाँ का कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई सर कोई टीचर ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ का व्यवस्था भी काफ़ी सही था एकदम। और ये आरके पब्लिक स्कूल है, काफ़ी सही जगह लगा, देखिए कितना मस्ती कर रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ का माहौल देख के लग रहा था आज झंडा दिवस है। और ये दूसरा स्कूल है एकदम, दोस्तों तैयारी देख के तो लग रहा है कि हाँ आज झंडा दिवस है। देखिए बांस पकड़े हुए हैं और लोग बांस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग और काफ़ी तैयारी चल रही है क्योंकि 8 बजने वाला है तो पूरा तैयारी हो चुकी है। ये गांव का ये दृश्य आप देख, ये देखिए यहाँ पे तो चालू भी हो गया। हालत देख सकते हैं, 2 घंटे 7 बजे घर से ही निकला था, अभी 9 बजने वाला है और मेरा हालत एकदम खराब हो गया। देखो वीडियो बनाना दोस्तों आसान नहीं होता है, मैंने देख लिया कि 2 घंटे से भटक रहा हूँ तब जाके 4-5 स्कूल मिल पाया, वो भी समय पे नहीं पहुँच पाया, 9 बजने वाला है, मैं समय पर पहुँचूंगा। ये सबसे नामी स्कूल मेरे गाँव का है और ये देख सकते हैं यहाँ का तैयारी देख के तो काफ़ी सही लग रहा है कि हाँ आज झंडा दिवस है गाँव में। और इसी बात पर दोस्तों लाइक और एकदम सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, थैंक यू दोस्तों। और ये देखिए व्यवस्था काफ़ी सही है, खेल कूद का भी व्यवस्था है, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे एकदम। हाँ अब होने वाली है, 9 बजने वाला है और लेकिन मैं दूसरे स्कूल चलता हूँ दोस्तों। अभी तो साइकिल गिरा था, थोड़ी देर और छोड़ देता ना तो साइकिल भी चोरी हो जाता। 2 घंटे हो गया, वीडियो बनाना आसान नहीं होता और अभी तो मेरा साइकिल गिरा था, अगर थोड़ी देर और छोड़ देता ना तो चोरी भी हो पूरा भींग गया और पूरा शरीर तो नहा गया हूँ, थोड़ी देर देखिए ये भी भींग चुका। नीचे काफी बढ़िया सजाया गया और जिलेबी भी चढ़ाया गया, आज के दिन जिलेबी कैसे दे सकते हैं। दोस्तों ये एक सरकारी स्कूल है और हमें महसूस ही नहीं हुआ कि ये सरकारी स्कूल, एकदम पूरा प्राइवेट की तरह व्यवस्था था। और लड़का यहाँ पे काफ़ी लड़के विद्यार्थी आए हुए थे, क्योंकि वैसे आधा ही विद्यार्थी आए हुए थे लेकिन आंधी में तो इससे भी ज़्यादा विद्यार्थी इस स्कूल में हम देखते हैं। व्यवस्था सही था इसलिए मैं अंतिम में यही पढ़ा के रुक गया और यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें पंचायत का कोई फायदा नहीं है, जहाँ तक आप ही लोगों का फायदा है, हो सकता है आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे, आधार कार्ड से मिलता है
जिसमें आप लोग परिवार के सभी सदस्य का 5 लाख तक का कोई भी मेजर ऑपरेशन करवा सकते हैं, जिसमें और अंतिम में ये प्रसाद के रूप में जिलेबी वितरण किया जा रहा है लोगों में। और ये गांव है दोस्तों, अगर यहाँ जिलेबियों के लिए मार हो जाता है गांव में, लोग एगो पैकेट ने 5-5 पैकेट 3 पैकेट लेके भागते हैं यहाँ से। हाँ, आज के दिन तो जिलेबी छान रहा है, ये तो स्वाभाविक बात है। देखिए, और छानने का जगह है यहाँ पे, यहाँ पे भी मैं पहुँच गया यहाँ से ही। आज के दिन हम कहाँ पीछे रहने वाले थे, हमने भी झोरा उठाया और जिलेबी ले आया। देखिए, इसी जिलेबी के साथ आज का मेरा ब्लॉग खत्म हो जाता है। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।